जी गौरव, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में आपका स्वागत है। ये सिर्फ राजस्थान की राजधानी नहीं है बल्कि यहीं से तमाम आर्थिक गतिविधियां, पर्यटक विश्व भर से यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से हस्तकला पूरे विश्व में पहुंचता है, चाहे वो सांगनेरी प्रिंट हो, ब्लॉक प्रिंट हो या फिर नक्काशी हो जो यहाँ पर की जाती है संगमरमर पर। लेकिन इसी के साथ राजनीति से आजकल चुनावों की वजह से जयपुर गर्म है। 19 सीटें यहाँ की हैं, जिसमें से बीजेपी के गढ़ में 10 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने छीन ली थी, बीजेपी के हाथ में बची थी सिर्फ 6 और 3 गई थी निर्दलीय को। एक बार फिर नए सिरे से यहाँ जंग छिड़ी है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष, गृहमंत्री अमित शाह सभी कांग्रेस को घेर रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार को घेर रहे हैं कि 2008 में हुए जयपुर बम धमाकों के सभी आरोपियों को तुष्टीकरण की वजह से रिहा किया गया है। पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा यहां है तो गहलोत जी उस पर जवाब दें। इसी के साथ कन्हैया लाल मर्डर केस को बीजेपी उठा रही है और गहलोत कहते हैं हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आइए लिए चलते हैं आज आपको जयपुर की सड़कों पर यह जानने के लिए कि जनता क्या सोचती है। चलिए आज उस हनुमान मंदिर में आज तक पहुंचा है, 2008 में जहां पर धमाके हुए थे और लगभग 80 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन आरोपियों के बरी होने के बाद ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना है। बगल में धमाका हुआ था साल 2008 में, 25-1 आदमियों की जान गई थी। अभी भी ये छर्रे के निशान इस पर दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये नीचे आपके यहाँ भी मिलेंगे आपको। आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहें? उनको सजाएं मौत होनी चाहिए थी उल्टी उनकी, जिनको तो उल्टी बरी कर दिया गया। बहुत दुख है, मैं तो हिंदू समाज के माने सारे। 2008 के अंदर यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ इतने मरे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। तो यहाँ से 10 कदम पर ये धमाके हुए थे, आप तब भी यही मौजूद? जी हाँ मैडम, मैं यहाँ चेयर लगा के बैठा था। बरी नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है ये, हमारे मंदिर में ऐसा हो रहा है। पीएम भी अभी तक जो जानकारी मिली है, पीएम भी सांगनेरी गेट से ही यहाँ से रोड शो करते हुए जा रहे हैं। आना चाहिए, पीएम आए यहाँ पे, हम भी चाहते हैं आए यहाँ पे। और जो ये अपराधी लोग छोड़े गए हैं, जो इनको माफी दी गई है, जो भी जो है, तो ये गलत है। इस तरह की कितनी रजाइयां भेज? 10-15-20 पीस डेली। पहले मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर था कांग्रेस का। बीजेपी में मैं इसलिए आया कि मैंने देश के लिए, मैंने देखा कि बहुत कुछ मोदी जी ने किया है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारी तरफ से पीएम कह रहे हैं अगर उम्मीदवार है तो कमल ही है, दूसरी तरफ गहलोत की सरकार के लिए इतिहास रचने का मौका है। जयपुर की जनता ने बोल लिया, अब राष्ट्रीय के मंच पर चलते हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी से उठाया तो जयपुर पहुंचते 2008 के जयपुर धमाके अब चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की वजह से अशोक गहलोत की सरकार ने आरोपियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग नहीं की और वो हाईकोर्ट में बरी हो गए, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। इधर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के अलावा बीजेपी के पास कोई एजेंडा है ही नहीं। इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, दोनों की बात सुन लीजिए। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। मोदी झूठ है। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहाँ बैठा, उन्हें भी झूठ। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े, बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं, क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है, कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्सीडेंट लगे,
कौन पब्लिक को राहत नहीं देना चाहेगा। मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है, मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से, उससे कंपेयर नहीं करें, करेंगे पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे, वहां की स्थिति अलग है, हमने स्टडी करवा दी उसकी।